राजपूत, आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा विष बाण आपकी तरफ है। धोखेबाज आप हैं, लुटेरे आप हैं, देश को आपने लूटा है। तो कहां तो बीजेपी से लड़ना था, कहां आपस में लड़ना शुरू कर दिया। गरिमा जी, जब आपने शेर से शुरुआत की है तो हम भी कर देते हैं शेर से ही शुरुआत। इरशाद जी कहते हैं ना, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएं। तो हम सब लोग कृत संकल्प हैं मंजिल पे डेरे डाले जाने के लिए। हाँ, एक बात मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ आपके चैनल पर, और हम में हिम्मत है तब मैं ईमानदारी से स्वीकार करने की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, और वाजपेयी जी बेचारे मजबूरी है, हिम्मत तो इनमें भी है लेकिन अभी गलत जगह पे है अभी पंडित जी हमारे। हम आपको बता दें कि हमारे सबके दल अलग अलग हैं, तो कुछ हमारे सिद्धांत भी अलग अलग हैं। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम एक साथ हैं, जहां पर चार बर्तन अलग अलग जगह से आते हैं थोड़े से खटकते भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये होना चाहिए। मतभेद जो है लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रक्रिया का अंश है। एक परिवार के चार लोग होते हैं, उनमें भी अलग अलग कुछ बातों में मतभेद आ जाते हैं। तो हम आपसे बहुत जिम्मेवारी से एक बात को कह रहे हैं कि हम अपने तमाम मतभेदों के साथ, कहते हैं ना कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, जिस तरीके से कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी के हिंदुस्तान को हमने पूरी 562 रियासतों को एक करके एक हिंदुस्तान और एक इंडिया की शक्ल दी थी, उसी तरीके से इंडिया की शक्ल है हमारे यहाँ पर। इसमें कुछ असंतोष के, कुछ जो है अलग तरीके के स्वर भी, जो कि हमें मंजूर है क्योंकि हमारा दल अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से हम एक बात कर रहे हैं, प्रादेशिक स्तर पर हमारा गठबंधन नहीं हुआ, प्रादेशिक स्तर के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना। सारे दल आपस में लड़ने में स्वतंत्र हैं और वो सब लड़ रहे हैं, और जहां चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए तमाम सत्ताधारी दल विपक्षी दल के खिलाफ बातें एक दूसरे की कही जाती हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, एक बात। दूसरी बात जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे दल एक चीज में बिल्कुल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, और चाहे किसी भी स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए सारे दल एक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का मायावी शासन है, मायावी लोगों ने शासन किया, इसने सब दलों को परेशान किया है, पूरे देश को परेशान किया है, पूरे देश की एक एक जनता को परेशान किया है। हम आप एक एक करके नीतीश कुमार जी, आपको मैं बता दूं, सुरेंद्र राजपूत, ये सुनने में बुरा नहीं लगता कि 75 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को लूटा, और इतना लूटा कि सात पुश्तें तक बैठ के खाएंगी, ये सुनने में खराब नहीं लगता? मैंने आपसे, देखिए अब मैं उसका अगर आपको जवाब दे दूं, मैंने कहा तो हमारे अंतर में आंतरिक रूप से लोकतंत्र है और उसमें मतभेद भी है। हमने तो पहले से कहा ना, हमने तो ये भी कहा कि भाई हम उस चीज के लिए तैयार हैं आपस के मतभेदों को बात करने के लिए। हम तो आपस के मतभेद सार्वजनिक रूप से भी स्वीकारते हैं, हम लोकतंत्र की लड़ाई मंच पर भी लड़ते हैं, और लोकतंतर की लड़ाई जो है हम बंद कमरों में साजिशें नहीं रचते भारतीय जनता पार्टी। नहीं, धोखा तो करते हैं आप। अखिलेश यादव ने कहा कि रात भर बैठा कर रखा, हमें पता होता कि सीटें नहीं देंगे तो हम क्यों अपने नेताओं को बेचते। मैं 3-4 चीजें बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि वो चैप्टर ओवर हो चुका है, वो बात हो चुकी है। उस बात के बाद आप पानी में अगर लाठी मारेंगी तो निश्चित तौर पर पानी अलग नहीं होगा। आज भी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है छतरपुर में, इसकी राजनीति में जब आप लोकल चुनाव लड़ रहे होते तो कोई महत्व नहीं होता। हाँ, तुहिन सिन्हा जी को जरूर जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है इनके साथ, इनको उन्होंने मां बहन तक की गाली दी है, योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को, और इस तरीके की गालियां दी हैं। गरिमा जी, आपके सामने हम सोच नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों लोगों को, ओम प्रकाश राजभर को, आज की डेट में अपना साथी बनाए हुए हैं पूरी तरीके से। तो हम इस तरीके की, कम से कम हमारा अनैतिक आचरण तो नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, मैं जो अपनी बात कह रहा था, चूंकि महत्वपूर्ण है तीनों नेताओं की, मैं कह दूं छोटी छोटी सी बातें हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के पितामह की तरीके से काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कहीं कोई सुझाव दिया है तो उनका सुझाव हाथ जोड़ करके हम स्वीकार करते हैं। अगर कोई कमी है या कोई देरी हो रही है, इस वास्तव में राज्य व सरकार के चुनाव की वजह से हो रही है, तो 3 तारीख के बाद हम पूरी उस देरी को भी पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव जी की बात हम पूरी कर चुके हैं, उनसे भी बात हो चुकी है,
हमारे आपस में कहीं कोई मतभेद नहीं है। हाँ, एक दो बयानबाजी हुई थी, हमने भी अपने राजकीय नहीं, वो नेतृत्व को फिर कह रोक रहे हैं दिया है। सुरेंद्र राजपूत, और आपको आपको लग रहा है कि पानी में डंडा मारने से पानी अलग नहीं होगा, लेकिन वो फिर कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस अलायंस में सेंधमारी कर रही है। वो राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अलायंस में की चूंकि बात आपके कर रहे हैं, वो अलायंस तो लोकसभा के लिए सुनिए सुन बना। सुन अरे सुन तो लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा भी तो सवाल उनसे किया गया ना, आप भी कट कॉपी पेस्ट आप तो नहीं करती हैं, कम से कम आप भी कट कॉपी पेस्ट नहीं, पूरा बयान सुनिए ना उनका। उसके बाद उनसे जब ये पूछा गया कि भाई इंडिया के गठबंधन का लोकसभा के लिए, क्या लोकसभा में हम सब लोग कृत संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन को हराने के लिए। अब आप केजरीवाल जी की भी बात ले लीजिए, केजरीवाल जी की भाषा शैली जिस तरीके की है, जिस तरीके की वो बात करते हैं, वो सारी की सारी आपके सामने है। और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 2024 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सब लोग एक हैं। तो हमारा यहाँ पे ये कहना है कि तमाम छोटे मोटे मतभेदों के बावजूद भी इंडिया का गठबंधन 24 के चुनाव के लिए अटूट है पूरी तरीके से, और हम सब मिलकर के इस मायावी शासन का अंत करेंगे। कोई माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई जंघाओं पे तीर मारेगा, और कोई नाभि में तीर मारेगा। राहुल गांधी जी नाभि में तीर मार करके इस मायावी शासन का ठीक है, अंत करेंगे, ये ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, लेकिन स्थितियां इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिख रही हैं सुनील साजन। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सब ठीक है,